हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट मीन। ये टॉपिक आपका बॉटनी फर्स्ट पेपर के बायोस्टैटिक्स चैप्टर में है, जिसमें आपको उस चैप्टर में मिलेगा हाउ टू कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट मीन, एंड नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी हाउ टू कैलकुलेट मीडियन एंड मोड। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए इस वीडियो में हम ओनली कवर करेंगे हाउ टू कैलकुलेट मीन। तो मीन को जो कैलकुलेट करते हैं वो थ्री टाइप से करते हैं। फर्स्ट होता है इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड होता है डिस्क्रीट सीरीज, एंड थर्ड होता है कंटिन्यूस सीरीज। तो इन तीनों सीरीज के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखते हैं इन तीनों सीरीज से मीन को किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट है आपका इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज में जो क्वेश्चन आता है वो आपका कुछ इस टाइप से क्वेश्चन दिया होता है, और आपको पूछा जाता है कैलकुलेट दी मीन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको मीन किस टाइप से निकालना है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। ये जो आपके नंबर दिए हुए हैं इनको आपको ऐड करना होता है, और ये टोटल नंबर कितने हैं उससे आपको डिवाइड करना होता है। तो टोटल नंबर कितने हैं आपके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो टोटल नंबर हैं आपके ये 7, तो 7 से हम इन्हें ऐड करके डिवाइड कर देंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। समेशन एक्स जो होता है ये होता है इन नंबरों का ऐड करना, यानी टोटल नंबर हम इसको ऐड करेंगे। तो करते हैं ऐड, तो ये आपका 15 + 18 + 20 + 22 + 14 + 16 + 21, और इसको हम डिवाइड करेंगे जितने ये नंबर हैं। तो हमने अभी ये काउंट किए थे, कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे हम इसे 7 से डिवाइड कर देंगे। तो हम इनको ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 126 / 7। जब हम इसे 126 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 18। तो ये आ गया आपका मीन। तो इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए इस प्रकार से आप मीन को कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं सेकेंड टाइप, डिस्क्रीट सीरीज़। तो नेक्स्ट जो है वो आपकी डिस्क्रीट सीरीज़, और डिस्क्रीट सीरीज़ में जो आपका क्वेश्चन होता है वो कुछ इस टाइप से दिया होता है, और आपसे कहता है कि कैलकुलेट दी मीन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है नंबर ऑफ़ फ्लावर्स, ये दिए हुए हैं नंबर ऑफ़ फ्लावर्स 5, 10, 15, 20 and 25, एंड यहाँ पर दिए हुए हैं नंबर ऑफ प्लांट 3, 5, 7, 3, 2। तो सबसे पहले नंबर ऑफ फ्लावर को हम मान लेंगे एक्स, एंड नंबर ऑफ प्लांट्स को यानी फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे। तो चलिए हम एक टेबल बना लेते हैं, कार्ड्स यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे। तो इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ फ्लावर जिसे हमने एक्स माना है, यहाँ पे हमने शो किया है नंबर ऑफ प्लांट जिसे हमने एफ से डिनोट किया है। इसके बाद हम एफ और एक्स की यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम देते हैं नंबर ऑफ फ्लावर। तो फर्स्ट क्या है हमारा 5, 10, 15, 20 and 25। इसके बाद नंबर ऑफ़ प्लांट जिसे हमने एफ से डिनोट किया है, तो कितने हमारे 3, 5, 7, 3 and 2। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे इनकी हम मल्टीप्लाई। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। तो 5 की करेंगे 3 में तो आएगा हमारा 15, इसके बाद 10 की करेंगे 5 में तो आएगा हमारा 15, इसके बाद 15 की करेंगे 7 में तो आएगा हमारा 105, इसके बाद 20 करेंगे 3 में तो आएगा हमारा 16, एंड 25 की करेंगे 2 में तो आएगा हमारा 15। इसके बाद क्या करना है, इनको हमें ऐड करना है। यहाँ पे ऐड करेंगे तो इसको हम लिखेंगे समेशन एफ एक्स। जब हम इसको ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा यहाँ पे 280 यानी 218। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी फ्रिक्वेंसी यानी नंबर ऑफ प्लांट हैं इनको हम, इनको भी हम ऐड करेंगे। इनको हम ऐड करेंगे तो हम इसे डिनोट करेंगे समेशन एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये आएगा हमारा 20। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो होता है आपका एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन
समेशन एफ। समेशन एफ को हम एन से भी डिनोट कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम अपॉन एन, यानी समेशन एफ को हमने डिनोट किया एन से। अब क्या करेंगे, इनकी हम वैल्यू रख देंगे। तो समेशन एफ एक्स की वैल्यू है हमारी 280, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 280 अपॉन एन कितना हमारा, यानी समेशन एफ हमारा है 20। जब हम इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो मीन आएगा वो आएगा आपका 14। तो इस टाइप से आप डिस्क्रीट सीरीज के लिए मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, कंटीन्यूअस सीरीज। नेक्स्ट आता है आपका कंटीन्यूअस सीरीज। कंटीन्यूअस सीरीज में जो आपका क्वेश्चन दिया होता है वो कुछ इस टाइप से दिया हुआ होता है। इसमें हम नंबर ऑफ़ फ्लावर्स को मानते हैं एक्स, जो कि आपको दिए हुए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 एंड 30 से 40। इसके बाद आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ़ प्लांट जिन्हें हम डिनोट करेंगे एफ से, जो आपके दिए हुए हैं 3, 13, 18 एंड 12 एंड 5। तो इसमें हमें कैलकुलेट करना है मीन। तो मीन को कैलकुलेट करने के लिए हमें इसमें एक टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो चलिए करते हैं इसमें टेबल ड्रॉ। तो यहाँ पे हमने कर ली है टेबल ड्रॉ। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये नंबर ऑफ़ फ्लावर एक्स जो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, इसके बाद लिखेंगे एफ नंबर ऑफ प्लांट्स यानी फ्रीक्वेंसी। तो लिखते हैं ये 3, 13, 18, 12 एंड 5। इसके बाद क्या करना है हमें एक्स, एक्स यानी मीडियन नंबर या मध्य मान, तो यहाँ लिखेंगे मध्य मान। तो ये एक्स होता है आपका मध्य मान। तो इसको हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, तो आपको यहाँ पे दे रखा है 0 एंड 10, तो हम 0 और 10 को ऐड करेंगे और इसे 2 से डिवाइड करेंगे। तो आप इधर देख सकते हैं 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा हमारा 10 डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा हमारा 5। तो इस प्रकार से हम मध्यमान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा हमारा 5। इसी प्रकार हम 10 और 20 का निकालेंगे, तो यहाँ निकालते हैं 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा आपका 15। तो इस प्रकार से आप सभी के मध्यमान निकाल सकते हैं। तो इसका आया 15, इसका आएगा 25, इसका आएगा 35 और इसका आएगा 45। इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखा है एफ एक्स, यानी एफ और एक्स की आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा आपका 15, ये आएगा आपका 195, ये आएगा 450, ये आएगा आपका 420, ये आएगा आपका 225। इसके बाद क्या करना है, इन सभी को आपको ऐड करना है। तो इसे हम किससे शो करेंगे, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू, जब हम इन सभी को ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 1305। तो हमारा ऐड करने पे ये नंबर आ गया। इसके बाद हम ऐड करेंगे जो हमारा एफ आया है, एफ के नंबरों को हम ऐड करेंगे, इसे हम शो करेंगे समेशन एफ से। इसके बाद जब हम इन नंबरों को ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 51। इसके बाद इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। मैंने अभी आपको बताया था कि समेशन एफ को हम एन से भी डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद इनके हम मान रख देंगे, तो ये आया था हमारा 1305 और हमारा समेशन एफ आया है हमारा 51। जब हम 51 को इससे डिवाइड करेंगे, सॉरी जब हम इस नंबर को 51 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 25.59। तो कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए इस टाइप से आप मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको तीनों ही मेथड से मीन निकालना आ गया होगा। यदि अब भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी मीडियन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।